ना कि हमें हमेशा से ही ऐसी की देखने को मिल रही थी, बिकॉज यहाँ पे हमें डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल रही है। कम्फर्ट वेजिंग ऑल्सो दिस वेरियंट हैव द डिस्क। तो दिस इज दी DTSI इंजन 110 cc। यहाँ पे हमें छोटा सा टैंक पैड देखने को मिल जाता है, सेमी एनालॉग एंड सेमी डिजिटल। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू बंसल बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट, जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड करवाई ताकि इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। सो अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखी है। तो हेलो एवरीवन, आज रिव्यू करने जा रहे हैं बजाज की तरफ से आने वाली माइलेज किंग प्लेटिना 110। दिस इज नॉट दी नॉर्मल 110, दिस इज 110 कम्फर्ट, जहाँ पे बजाज क्लेम कर रहा है ये सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल बाइक बन जाती है इन हिस सेगमेंट। सो इस वीडियो में इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करने वाले हैं, ऑल्सो आपके साथ ये भी शेयर करेंगे क्या सचमुच ये सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल है या फिर मिथ है या गिमिक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देंगे, एक्स शोरूम प्राइजेस एंड ऑन रोड प्राइजेस आपके साथ यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं, एंड ऑल्सो कुछ और चीजें हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So, without doing further delay, let's jump into the video. तो ऐसी कुछ कीज ऑफर की जा रही है कंपनी की तरफ से, जो कि इस प्राइस रेंज में सभी बाइक्स के साथ हमें इसी टाइप की कीज देखने को मिल जाती हैं। सिंपल ओल्ड स्कूल वाइब्स हमें यहाँ पे याद दिला देती हैं, बिकॉज प्लेटिना की हमें हमेशा से ही ऐसी की देखने को मिल रही थी जब से ये लॉन्च हुई है। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अब इसकी फ्रंट प्रोफाइल से, एंड दी फ्रंट प्रोफाइल इज प्रिटी अट्रैक्टिव बिकॉज यहाँ पे हमें डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाती है विच इज LED, देन वी हैव हेलोजन हेडलाइट। सो दिस इज दी हेलोजन हेडलाइट। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी भाई प्रिटी गुड, सो विजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स अगेन ओल्ड स्कूल वाइब्स अपने हेलोजन कंपनी ऑफर कर रही है, सो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेयर वी हैव दी कम्फर्ट वेजिंग, बिकॉज कम्फर्ट का यहाँ पे काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, एंड कंपनी भी ये चीज क्लेम करती है इसका जो कम्फर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल है कंपटीशन में, और कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो इस लेवल का कंफर्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, एंड दी रेड बेजिंग जो कि भाई किसी का भी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पे रेड कलर में ब्रेकिंग लिखा हुआ है बिकॉज बाइक में हमें एंटी स्किड ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है विच इज अगेन अ प्रिटी गुड थिंग। सो फ्रंट फेंडर इज दी ग्रे बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रे कलर की बाइक देखने को मिल रही है, जहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया गया है इसके लुक को और भी ज्यादा इन्हेंस करने के लिए। व्हाइट कलर का अलॉय देखने को मिल जाता है, सिमिलर अलॉय हमें NS160 एंड 125 में भी व्हाइट कलर के देखने को मिल रहे हैं। सो अगर बात करें हम इसके टायर साइज की, देन कंपनी इज ऑफरिंग 80x100 सेक्शन टायर विद 17 इंचेस अलॉय। ऑल्सो दिस वेरियंट हैव द डिस्क, इसका एक ड्रम वाला वेरियंट भी आता है जिसके एक्स शोरूम प्राइजेस इससे लगभग 2000 रुपए कम है, एंड डिस्क ब्रेक इन्हेंस होने से 110 सीसी के अंदर ये पहली बाइक थी आई थिंक जहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही थी, एंड इसकी जो ब्रेकिंग है वो इन्हेंस हो जाती है लिटरली। अभी हमने इसका ब्रेक टेस्ट किया था, देन ब्रेकिंग इसकी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी मेन पोर्शन ऑफ दी बाइक इंजन, सो दिस इज दी DTSI इंजन 110 सीसी विच प्रोड्यूसेस 8.5 BHP पावर एंड 9.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो पावर एंड टॉर्क वाइज डिसेंट सी है, मतलब जब इनिशियली आप रैप करेंगे तो थोड़ा सा आपको पावर लैक फील होगा, बट जब आप हाईवेज पे होंगे तब आपको कोई ऐसा सच एंड ह्यूज अंतर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इसकी जो मेन USP रखी गई वो इसके पावर फिगर्स नहीं, इसका कंफर्ट एंड माइलेज रखा गया है। सो माइलेज इन्हेंस करने के लिए इसकी जो पावर्स हैं वो लीनियर वे में डिलीवर करती है इंजन, सो उससे जो माइलेज है वो मेंटेन रहता है। सो इंजन रिलायबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, बजाज का जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, मीन्स आपको हर छोटे से छोटे शहर में भी बजाज का सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएगा। एंड हेयर वी हैव दी टैंक, अब यहाँ पे हमें 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, एंड जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो भाई 85-90 km/h कर रही है, बट अगर हम इसका मतलब एकदम ग्राउंड टू अर्थ होके बोलें तो 75 km/h से लेके 80 km/h तक का माइलेज आप इससे ईजिली निकाल लेंगे, मतलब हमने खुद इसका टेस्ट कर रखा है। बाकी हेयर वी हैव दी प्लेटिना बैजिंग, ये गोल्डन कलर का है, एंड ग्लॉसी ब्लैक एंड व्हाइट के टचअप से इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया। बाकी यहाँ पे हमें छोटा सा टैंक पैड देखने को मिल जाता है, दिस इज नॉट एक्सेसरीज, ये कंपनी की तरफ से हमें ऑफर किया जा रहा है। बाकी दिस लॉन्ग सीट अगेन कंफर्ट बैजिंग, बिकॉज ये सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं,
अभी हम लोग दो लोग आए थे, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमें फील नहीं हुई, बिकॉज इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे देखना अभी, सो कुशनिंग रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दिस साइड इज होल क्लियर, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत मिनिमल स्टिकर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी इधर हमें फिर से 110 कंफर्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। मूविंग टुवर्ड्स दी रियर टायर प्रोफाइल, सो यहाँ पे हमें अगेन वही टायर देखने को मिल रहा है जो फ्रंट में था, 80/100 सेक्शन विद 17 इंचेस अलॉय, सो अलॉय भी सेम है। बाकी रियर में हमें नाइट्रॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है विच इज एडजस्टेबल, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छी चीज बन जाती है। बाकी दिस इज द साइलेंसर आप देख सकते हैं, एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी हमें डिसेंट सा देखने को मिल जाता है, मतलब इसकी मेन यूएसपी नहीं कही जा सकती इसका एग्जॉस्ट नोट। दिस इज द मेटल, दिस इज द रियर पैसेंजर फुट पैड, एंड ये काफी ज्यादा वाइड है। बाकी नॉर्मल बाइक्स में हमें पतले से स्लीक से देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे पूरा मतलब एकदम फुट पैड दिया गया, आप देख सकते हैं, सो इजिली यहाँ पे आप अपना पैर रख लेंगे। बाकी दिस प्रोफाइल अगेन हेलोजन यूनिट्स, हेलोजन टेल लाइट, हेलोजन टर्न सिग्नल इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट, स्टे, देन दिस इज दी रियर फेंडर विच इज अगेन फाइबर, बट प्रीमियम फाइबर है, इजिली ब्रेक नहीं होगा। ग्रैब रेल हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, सो दिस इज अगेन ग्लॉसी ब्लैक, किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आपको ग्रैब रेल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। सो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स सारी गार्ड हमें सभी बाइक्स में देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे ये कुछ प्रीमियम टचअप एड ऑन किए गए हैं। दिस इज द फाइबर जो कि यहाँ पे एड ऑन किया गया है, अगेन वो फुट पैड तो हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है। दिस प्रोफाइल इज अगेन क्लियर, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड दिस इज द सेमी एनालॉग एंड सेमी डिजिटल। सो यहाँ पे हमें सेमी एनालॉग एंड सेमी डिजिटल कंसोल कंपनी ऑफर कर रही है, इग्निशन से ही आप इसे लॉक भी कर लेंगे, एंड दिस थिंग मतलब मुझे पर्सनली ये वाला सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज RS में भी सिमिलर सेटअप हमें देखने को मिलता है, सेमी एनालॉग एंड सेमी डिजिटल, सो ये भाई प्यारा लगता है। बाकी इधर हमें यहाँ पे जो स्पीड है वो 120 देखने को मिल रही, जो कि 100 से लेके 110 किलोमीटर पर आवर तक जाने वाली है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, पता नहीं क्यों दे रखे हैं। बाकी दिस इज दी स्मॉल MID जहाँ पे आपको अपना ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, टाइम देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप वन ट्रिप टू एंड फ्यूल टू एम्प्टी वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऊपर साइड में हमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, न्यूट्रल, देन वी हैव हाई बीम, देन इंजन चेक लाइट, सो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। एंड हियर वी हैव द सेट बटन, इसमें नेविगेट करने के लिए कुछ चीज़ें अगर आपको सेट करनी है तो आप इस बटन के थ्रू सेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी स्विचेस, स्विच क्वालिटी कैसी क्या मिल रही है, हाई बीम, लो बीम, एंड हियर वी ऑल्सो हैव दी पास बटन, सो काफ़ी अच्छी चीज़ ये भी बन जाती है। बाकी टर्न सिग्नल इंडिकेटर यहाँ पे कंपनी में सिंगल हॉर्न प्रोवाइड करवा रही है, बट लिटरली इट इज़ लाउड, मतलब काफ़ी लाउड है, आपको दूसरा हॉर्न लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड दिस साइड इधर हमें पार्किंग वाला बटन देखने को मिल रहा है, देन वी हैव दी सेल्फ एंड ईजी टू यूज़ है। बाकी यहाँ पे मैं कोई बढ़िया मतलब एकदम बड़ी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिल, बाकी बड़े बड़े बटन से यहाँ पे कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, स्लीक से एंड ईजी टू यूज़ है, मतलब किसी भी प्रकार का डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। बाकी ऐसा कुछ हमें इसका मिरर साइज देखने को मिल जाता है, वाइब्रेशंस भाई नाक के बराबर हैं, मतलब बहुत कम वाइब्रेशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस टाइम बाइक स्टार्ट खड़ी हुई है एंड लगभग हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल ना के बराबर है, एंड अगर हम इसका एक्सेलेटर लेते भी हैं सो किसी भी प्रकार के कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है, मतलब हाई स्पीड में भी जब आप जाएंगे तो आपको इस बाइक्स में वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला है। एंड अब हम जरा इसकी एक टेस्ट राइड करते हैं, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कम्फर्ट कैसा क्या है, सस्पेंशन के बारे में क्या कुछ कहना है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट राइड को। सो अब अपन इसकी टेस्ट राइड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नाउ दिस टाइम आई एम इन दी एच गियर, टेक्निकली देखा जाए तो ये इस बाइक का फिफ्थ गियर है, बट कंपनी इसे एज अ एच गियर हमें प्रोवाइड करवा रही है, जहाँ पे कंपनी का कहना ये है एच गियर लगने के बाद इसकी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, एंड हाईवेज का टाइम पे जब आप एच गियर में चल रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करके देगी ये बाइक।
सो अभी जरा उसी चीज को अपन चेक करते हैं एंड थोड़ा सा रैप करते हैं एंड देखते हैं क्या सचमुच एच गियर से कुछ फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली वो है तो फिफ्थ गियर बट कंपनी प्रोवाइड कर रही है एज अ एच गियर, सो वी आर एट द फोर्थ गियर एंड यस, जैसे ही हम लोग एच गियर पे पहुंचते हैं इंजन की वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बट अगर हम टॉप एंड की बात करें सो मैंने दूसरी बाइक से इसका टॉप एंड क्लॉक किया है अराउंड 103 एंड 104 तक ईजिली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देती है। अभी हम लोग बाइक पर दो लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद ये जो बाइक है भाई वो बॉवल नहीं कर रही है, मतलब लाइट वेट है बट बॉवल नहीं कर रही है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस सस्पेंशन, सो सस्पेंशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी इशू फील नहीं हो रहा है, मतलब सचमुच यहाँ पे कंपनी ने सस्पेंशन के ऊपर वर्क किया है। सो सस्पेंशन में तो 9 out of 10 मैं देना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी स्मूथ हमें यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द राइडिंग क्वालिटी, सो राइडिंग क्वालिटी भी ठीक है बट यार बाइक आपको काफ़ी लाइट वेट लगने वाली है। जैसे हम लोग अपनी RS यूज़ करते हैं, क्लासिक 350 यूज़ करते हैं, सो उन बाइक से कंपैरिजन में ये बाइक भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है। एंड बाकी राइडिंग पोजीशन इसमें हमें अपराइट देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी पेन फील नहीं होगा। इससे आप इजीली 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स राइड क्लॉक कर लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आप फेस नहीं करने वाले हैं। बाकी अगर हम सीट कुशनिंग की बात करें या फिर अपन दो लोग इस टाइम बाइक पे बैठे हुए हैं सो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम भाई मुझे नहीं फील हो रही है, लिटरली फील नहीं हो रही है। एंड जो बैक सपोर्ट वगैरह है भाई वो भी यहाँ पे मैं डिसेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। बाकी आप कुछ देख सकते हैं इस टाइप के हमारे लेग्स रहने वाले हैं, दिस इज दी टैंक, सो अपने लेग्स जो हैं वो टैंक के थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, बाकी इंटैक्ट हो जाते हैं अंदर साइड को बिकॉज ये जो टैंक है यार वो हमें यहाँ पे पतला सा स्लिक सा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम इनिशियल पिकअप की बात करें तो यार इनिशियल पिकअप वाइज बाइक घुटती है, मतलब अपन दो लोग इस टाइम बैठे हुए हैं अब पता नहीं ऐसा क्यों है, जस्ट न्यू बाइक है इस वजह से है, बट मुझे कहीं थोड़ा सा लगा कि इनिशियल पिकअप वाइज बाइक थोड़ी सी घुट रही है। बाकी आप खुद जज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं अभी अपन इसे राइड कर रहे हैं तो यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है इन दी फर्स्ट गियर एंड सेकेंड गियर बाइक थोड़ी सी घुट रही है। बाकी रोड प्रेजेंस वगैरह भाई डिसेंट है, मतलब आप लोग प्लेटिना से रूबरू हैं बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि ये बहुत समय से मार्केट में है। एंड अगर बात करें अक्टूबर के महीने की तो अक्टूबर के मंथ में ये छठी सबसे ज़्यादा बिकने वाली टू व्हीलर थी, सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ बन जाती है। एंड प्लेटिना इज़ रियली गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ बजाज बिकॉज ये उन लोगों को फोकस करके बनाई गई है जिन लोगों को माइलेज चाहिए, मतलब जिन्हें सिर्फ हाईवे पर ट्रैवल करना है बढ़िया, मतलब एक ही दिन में वो लोग 200 से 250 किलोमीटर की राइड मार रहे हैं, मतलब रन उनका ज़्यादा है, डिलीवरी मैन्स हो गए या फिर जो डे टू डे बिजनेस वाले हैं, डे टू डे कमिट वाले हैं, उन लोगों के लिए बाइक काफ़ी अच्छी है। एंड फैमिली पर्पज़ से देखा जाए देन इट इज़ ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड प्रोडक्ट क्योंकि सीट कंफर्ट हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, सो प्राइसिंग रिलेटेड भी हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। सो ओवरऑल एक फैमिली पैकेज अगर हम कहें तो कोई भी बुराई नहीं है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ फैमिली पैकेज, मीन्स जो बंदे फैमिली के साथ चल रहे हैं या डे टू डे ज़्यादा रन करते हैं उनके लिए बाइक काफ़ी अच्छी है। बाकी आप इससे अग्रेसिव परफॉर्मेंस तो नहीं ले पाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉर्मल कम्यूटर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाना है देन यू कैन गो विद NS125 एंड अपर सेगमेंट ऑफ पल्सर्स, सो उधर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाएगी, डे टू डे कम्यूटिंग के लिए बेस्ट है। आपको 30 से 40 की स्पीड में 50 की स्पीड में क्लॉक करना है, लॉन्ग लॉन्ग रन्स लेने हैं देन इट इज़ प्रेटी गुड। सो अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मीन्स मतलब देखो मैं आपको आसान शब्दों में समझाए देता हूँ, इस बाइक की जो मेन USP रखी गई है सबसे पहली बात तो इसकी प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट है बिकॉज इट्स स्टार्ट फ्रॉम 65,000 एक्स शोरूम फॉर 110 cc एंड जब इसके डिस्क के साथ जाएंगे तो आई थिंक 67,000 एक्स शोरूम प्राइसिंग, बाकी आप अपने सिटी में चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट बजाज के शोरूम पे। अगर आप हरदोई से हैं तो सारी की सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी हैं, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड जो सेकंड USP है इसकी वो है इसका माइलेज एंड कंफर्ट, सो माइलेज एंड कंफर्ट वाइज भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। सो जिस बाइक का अभी हम रिव्यू कर रहे हैं मीन्स जिस वेरियंट का रिव्यू कर रहे हैं उसमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, सो लेट्स चेक दी ब्रेक्स।
सो ब्रेक्स आर प्रिटी गुड, मतलब ब्रेक बाइट अच्छी है बिकॉज फ्रंट में डिस्क ऑफर कर रही है कंपनी, सो ब्रेक बाइट इज लिटरली गुड। एंड एक मज़ेदार चीज़ और भी है, यहाँ पे हमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आता है। लिटरली जब आपके RPM ज़्यादा हो जाते हैं तब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है अब आप अपना गियर शांति से बदल लीजिए नहीं तो बाइक वाइब्रेट करने वाली है। सो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी बिकॉज गियर शिफ्ट इंडिकेटर कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना भाई वो आई कैची सी होती हैं, मतलब छोटे छोटे फीचर्स जो हैं वो किसी की भी मीटर कंसोल को किसी दूसरी बाइक से अलग बना देते हैं। सो मीटर कंसोल यार इसमें मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी बन चुका है बिकॉज 98% लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।